नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रेखीय बैठक व्यवस्था के प्रश्नों को तेजी से और बिल्कुल सरल तरीके से हल करने की कुछ नई नई विधियां बताने जा रहा हूं। ये विधियां बिल्कुल नई है, इसलिए आपको प्रयोग करने में थोड़ी सी शुरुआत में कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन जब बार बार इन विधियों का प्रयोग करेंगे तो मेरा दावा है कि आप परीक्षा हाल में अपने बहुत ही अमूल्य समय को बचा पाएंगे और बहुत ही कम समय में और तेजी से ऐसे प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे ये मेरी विधियां, डबल कुर्सी ट्रिक, कर्ता क्रिया ट्रिक, मध्यस्थ ट्रिक, लेकिन जो ट्रिक विलोम अनुपात ट्रिक, तो इन विधियों का हम कैसे प्रयोग करेंगे, आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से ही हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब प्रश्न कहता है जैसे कि पांच लड़के एबीसीडी एक पंक्ति में खड़े हैं, कभी कभी ये कह देता है कि वो पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो ऐसे प्रश्नों में दिशा का कुछ खास अंतर नहीं होता, वो पूरब भी का है पश्चिम भी का है, तो भी आप ये मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे हम खड़े हैं पीठ ऐसे करके और इसका चेहरा और ये बाल है इस व्यक्ति के, यानी चेहरा उधर की तरफ हो अगर, तो व्यक्ति का दाहिना हाथ कौन सा होगा, जैसे मेरा दाहिना हाथ ये है तो इस व्यक्ति का भी दाहिना हाथ ये होगा और इस व्यक्ति का बायां हाथ जो है ये वाला होगा। ऐसा हम लोग इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमको प्रश्न लगाने में बहुत ही सहूलियत रहेगी, क्योंकि इसका भी चेहरा उधर की तरफ, मेरा भी चेहरा इधर की तरफ, तो मेरा भी दायां और इस व्यक्ति का भी दायां इधर होगा, इस व्यक्ति का बायां और मेरा बायां भी इधर ही होगा, इसलिए चेहरा हमारे तरफ ही ऐसे ही मान लेने से हमको प्रश्न लगाने में सहूलियत होती है। इसलिए हर प्रश्न में ये मान के चलिएगा कि व्यक्ति का मुंह उत्तर की तरफ है यानी ऐसे, और इसका दायां आपके दायां और बायां आपके बायां के समान होगा। तो आइए प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कर्ता क्रिया विधि, इसमें तो ये विधि ये कहता है कि जब आप प्रश्न पढ़िए तो मेरा मानना है कि पहला जो नाम है ये किसी ना किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये कर्ता है और इसका क्रिया क्या है तो जो लास्ट में लिखा हुआ है, और भी रीजनिंग के प्रश्नों में ट्रिक में इस्तेमाल करता हूं, तो ये कर्ता हो गया और जो लास्ट में लिखा है क्रिया होगा, जैसे इंग्लिश में होता है, तो शुरू का नाम कर्ता और लास्ट में जो दिया है इसका काम वो हो गया क्रिया, यानी डी नाम है और इसका काम क्या है दाईं ओर रहना, यानी कर्ता डी है और इसका क्रिया यानी कि काम क्या है दाईं तरफ रहना। तो मेरा कहना यह कि आप कर्ता और क्रिया पर ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान कम दीजिए। सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि डी और लास्ट यानी शुरू और लास्ट वाले पर आप ज्यादा ध्यान ले जाइए, यानी डी दाईं तरफ है। डबल कुर्सी की दिया कहती है जब दो लोगों में तुलना हो, दो लोगों को बैठाने दाएं बाएं की बात हो, तो आप डबल कुर्सी बना दीजिए लाइन खींच के। अब बस ये देखिए क्या करा है, शुरू और लास्ट में कर्ता क्रिया विधि कि डी लास्ट में करा दाईं ओर है, तो आपके दाएं हाथ की तरफ कौन है ये है, तो डी को बना दीजिए यहां, और एक ही कुर्सी बचा हुआ है तो उसको बचे हुए व्यक्ति को इस पे बैठा दीजिए। ये हुआ डबल कुर्सी विधि, यानी डबल कुर्सी लगाना और उसके बाद कर्ता को क्रिया वाला काम कर देना, बची कुर्सी पर उसको बैठा देना। एक तरीका यह भी हो सकता है जैसा कुछ लोग लगाते हैं, जब ऐसा प्रश्न लगाइए तो इसको इस पहले अक्षर को पहले मत लिखिए, ज्यादातर में 90% केस में मैं बस आपके प्रश्नों के लगाने के तरीकों में कुछ तेजी में इजाफा करने के लिए सब सारी बातें बता रहा हूं, वैसे आप इन प्रश्नों को लगा लेते होंगे, लेकिन मैं आपको स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स बता रहा हूं, जैसे कि आप परीक्षा में जल्दी जल्दी प्रश्नों को लगाएं। तो डी और ई जब ऐसे लिखा रहे कि डी ई के दाएं है या जैसे भी, तो आप सबसे पहले दूसरे वाले अक्षर को लिखा करिए, इस वाले को, न कि इसको, जैसे ऐसे लाइन खींचने के बाद आप डी मत लिखिए बल्कि सबसे पहले ई लिखिए। अब पढ़िए कर्ता क्रिया विधि से, डी क्या है दाईं ओर है, तो इसके दाईं ओर बना दीजिए डी को, यानी डी दाईं ओर है ई के, तो ऐसे बन गया। अब कह रहा है कि बी और क्रिया इसका क्या है बाईं ओर है, बी ई के बाईं ओर है, लेकिन आप ये हमेशा ध्यान दीजिए कि बी बाईं ओर है, तो दाएं बाएं से आपको मतलब नहीं है, बी बाईं ओर है तो आपके दिमाग में बस ये रहा कि बी इधर है, बी बाईं ओर है का मतलब बी इधर है, बी बाईं ओर है का मतलब बी इधर है किसके, तो ई के, बी इधर है किसके, तो ई के, तो ई के इधर, बी को बहुत आसानी से बना दीजिए। किंतु अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग के अन्य टॉपिक में भी ये काम करेगा, किंतु परंतु लेकिन तथा और ऐसे जितने भी शब्द जोड़ के अगर कोई वाक्य को कहे
किंतु लेकिन परंतु और तथा जितने भी शब्द जोड़ के अगर कोई वाक्य को कहे तो हमेशा बात की जाती है पहला कर्ता की, यानी किंतु परंतु लेकिन का मतलब हो गया पहला कर्ता। लेकिन जो से अगर वाक्य जोड़े, जो या जिसे से, तो कहा जाता है दूसरा कर्ता के लिए, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन किंतु परंतु तथा अनेक शब्द वाली जो बातें हैं वो इशारा करता है पहला कर्ता की तरफ, लेकिन जो या जिसे बस लिखा रहे तो इशारा होता है दूसरे नाम की तरफ, यानी कि दूसरे कर्ता की तरफ, या जो से ठीक पहले जो नाम दिया है उसकी तरफ, ये हमेशा याद रखिएगा। यहां पर लेकिन से या किंतु से जोड़ा, यानी बात कही जा रही है बी की, तो अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो किंतु को काट के यहीं पे पहला कर्ता यानी कि बी लिख के ऐसे क्रमा कर दीजिए। अब इसको भूल जाइए, अब यहां से डायरेक्ट पढ़े बी ए के दाई ओर है, यानी कि करता है बी और इसका काम दिया है दाई ओर, यानी बी क्या है दाई ओर है, तो बी दाई ओर है किसके ए के, देखिए बी दाई ओर हो गया किसके ए के। यहां पर एक और मैं आपको तरीका बताता हूं विलोमानुपात विधि, जैसे जिस अक्षर को बैठाने के लिए कहा जाए, जैसे यहां पे हमको कहा गया इस करता है बी और इसका काम दिया है दाई ओर रहना, जब हमने इसको नहीं बैठाया था तो कह रहा था बी दाई ओर है, यानी कि बी को दाई तरफ बैठाना है, लेकिन जिसको बैठाना हो वो पहले से ही बैठा हो, जैसे कहा जाए प्रधानमंत्री को दाई तरफ वाली कुर्सी बैठा जाए, लेकिन अगर देखा जाए कि प्रधानमंत्री पहले ही से दाई वाली कुर्सी बैठा है तो जो बचा हुआ व्यक्ति है उसको बाई तरफ कर दीजिए, ऑटोमेटिक दाई तरफ हो जाएंगे। तो वैसे ही कह रहा है कि बी दाई तरफ है, लेकिन बी तो पहले से ही बैठा है, तो आप ये उल्टा समझ लिया करिए, यानी बी दाई तरफ है यानी कि ए बाई तरफ है। जैसे हम कहे कि राम लक्ष्मण के दाहिनी तरफ है, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि लक्ष्मण राम के बाई तरफ है, तो यहां पर बी को कह रहा है दाई तरफ, लेकिन बी पहले से बैठा हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि ए बाई तरफ है, यानी ए बाई तरफ यानी इधर है किसके इधर है तो बी के। तो इस तरीके से भी आप प्रश्न को लगा सकते हैं। अब देखिए डी बाई ओर है, तो आप दिमाग में रखिए डी बाई ओर का मतलब बस दाएं बाएं मतलब ये रखिए कि इधर रखना है कि इधर रखना है, तो डी बाई ओर है कि मतलब डी इधर है किसके सी के, डी बाई ओर है यानी कि डी इधर है। फिर देखिए डी को बाई ओर बता रहा है कि बाई ओर है, डी पहले से ही बैठा है, तो आप विलोमानुपात विधि से क्या कर देंगे डी बाई ओर है सी के, तो आप सी को कह दीजिए कि सी दाई ओर है यानी कि सी उधर है किसके डी के, बात वही हुआ। तो विलोमानुपात विधि से भी आप प्रश्न को थोड़ा इस फास्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो से वाक्य को जोड़ रहा है, तो मैंने बताया था लेकिन किंतु परंतु रहे तो पहला करता, जो रहे तो दूसरा करता, तो यहां पे जो है, तो अगर समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो इसको काट के यहीं पे दूसरा करता है यानी कि सी, ये पहला करता है ये दूसरा करता है, यहां पे सी लिख दीजिए। अब इससे पीछे की कहानी भूल जाइए, काम करके अब यहीं से पढ़िए सी दाएं छोर पर खड़ा है, तो सी तो दाएं छोर पर है ही, यानी प्रश्न सही लगा है। अब पूछ रहा है बीच में कौन है, तो बीच में आपका है ई। अब एक प्रश्न लेते हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए, देखिए लिखा है छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूरब की ओर मुंह करके बैठे, तो यहाँ पूरब से कोई खास इस ऐसे प्रश्नों में अंतर नहीं आता, पूरब हो या पश्चिम हो, मैंने पहले ही बताया था कि आप ऐसे एक लाइन हर प्रश्न खींचिए और हमेशा यही मानिए कि चेहरा आपके चेहरे की तरह इनका भी उधर की तरफ है, ताकि दाएं बाएं में लगाने में आपको दिक्कत ना हो, तो आप ऊपर ही की तरफ बैठाइए और लास्ट में अगर ऐसा कोई दिक्कत समझ आए तो पूरे प्रश्न को ऐसे आप पूरब का तो पूरब और पश्चिम का तो पश्चिम में घुमा के चेक कर लीजिए। देखिए अब सी करता और इसका क्रिया क्या है बीच, यानी सी क्या है सी बीच में है, सी बीच में है किसके किसके ए और ई के, सी बीच में है ए और ई के, तो जो मैंने इसमें लिखा है मध्यस्थ, मध्यस्थी का मतलब जिसको बीच में रखना है उसको ऐसे बना लीजिए, ऐसा बनाने से आपको लाभ यह होगा कि अगर बाद में जाके अगर प्रश्न कुछ गड़बड़ी होती है जमता नहीं बैठ पाता है तो आप समझ जाइएगा कि ए को आप इधर भी रख सकते हैं और ई को आप इधर भी रख सकते हैं, कभी भी बीच सी के सेहत का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सी को आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे सी तो यही रहेगा लेकिन ए इधर भी आ सकता है और ई इधर भी आ सकता है, मध्यस्थ विधि यही कहता है। ऐसा एरो हमेशा बना के रखिएगा ताकि आपको दिमाग में रहे कि इसको इधर का इधर भी जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। अब लिखा है इसमें बी
ई के निकटतम दाएं है, यानी बी दाएं है, तो दाएं बाएं से नहीं मतलब, मैंने बताया बी दाएं है का मतलब बी को हम इधर फेंकेंगे, बी दाएं है का मतलब दिमाग में रखिए बी को हम इधर फेंकेंगे किसके, ई के। तो अब इस वाले प्रश्न में अगर बी को दाएं रखेंगे ई के यानी यहां रखेंगे तो ये बीच वाली स्थिति इनकी गड़बड़ हो जाएगी, यानी इस वाले पर प्रश्न नहीं लग पा रहा है। तो अब हम इस पे चेक करें, बी दाएं है यानी कि बी इधर है ई के, तो इसमें हमारा सिचुएशन सही हो जाएगा। अब लेकिन मैंने बताया था लेकिन किंतु परंतु का मतलब होता है पहला करता यानी बी, याद समझने के लिए आप लेकिन को काट के यहीं पे लिख सकते हैं बी और कामा करके समझ सकते हैं, यानी कि बी अब करता क्या हो गया बी, और इसका क्रिया क्या हो गया बाई ओर है, बी बाई ओर है। तो देखिए लेकिन बी को आपको बैठाना है बाई ओर, लेकिन बी पहले से ही बैठा हुआ है, तो इसके लिए मैंने बताया था विलोम अनुपात विधि, यानी बी बाई ओर है यानी कि डी इसके दाई ओर है, बी बाई ओर है बिना विलोम अनुपात विधि कहता है कि डी तब दाई तरफ है, यानी कि डी दाई तरफ है मतलब बी इधर है, डी दाई तरफ है यानी कि इधर है किसके बी के, तो ऐसे लिख देंगे। अब कह रहा है एफ दाएं छोर पर नहीं है, यानी कि एफ एकदम इधर नहीं है, तब यानी कि ये किधर है इधर है, तो प्रश्न पूछ रहा है ए के बाएं ओर कौन है, तो ए के बाएं हाथ पे कौन है, तो एफ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एफ। अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने इसे दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।